तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो भाई का रोटी बनाने का तरीका। ये हमारी परंपरा होती है, जो लाल कलर होता है वो जो दूल्हे के नाक पे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी परंपरा देख सकते हो, टॉल देते हैं और शक्कर होती है वो एक दूजे के मुंह में देते हैं और फिर से जो है गले मिलते हैं, देख सकते हो आप लोग। तो फ्रेंड्स ये रोटी काट रहा भाई, देख सकते हो इस तरीके से रोटियां काटते हैं हम। हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड जय श्रम, स्वागत है अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो सिंध पाकिस्तान में जो हिंदू की जो मैरिज है वो इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रोटियाँ पकाई जा रही है देख सकते हो आप लोग, तो हमारे जो यहाँ पर इस तरीके से रोटियाँ पकाते हैं बावर्ची है, ये भी हमारे हिंदू भाई है बावर्ची, और ये देख सकते हो इस तरह की रोटी होती है हमारी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये इसे टप बोलते, इसमें आटा पड़ा हुआ है, और ये भाई जो देख सकते हो अभी जो ना रोटियां बना रहा है। अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई ये देख सकते हो भाई की कलाकारी, कितनी बड़ी रोटी बना रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको रोटी बनाने का तरीका। ठीक है भाई, तो ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो बहुत ही बड़ी बड़ी जो है ना हमारे शादियों में यहाँ पर जो बड़े बड़े रोटियाँ पकाई जा रही है। ये देख सकते हो अभी भैया ऊपर कर रहा रोटी, और ये देख सकते हो आप लोग इतनी बड़ी रोटी है यहाँ पर हम जो पकाते हैं शादियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहेंगे वीडियो के एंड तक। तो ये देख सकते हो फैंस, मुझे तो बहुत ही अच्छा तरीका लगा भाई का रोटियां बनाने का, देख सकते हो। और चलता हूँ आगे, और आगे भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कुछ जो यहाँ पर बिरयानी की दहिया वगैरह बनी हुई है वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे। तो ये देख सकते हो यहाँ का माहौल। तो फैंस ये देख सकते हो कुछ दहिया जो बन चुकी है, और कुछ जो है ना भाई बना रहा है, ये सब्जी की देगे और बिरयानी की है, देख सकते हो इसमें देखते हैं बिरयानी होगी शायद। तो फ्रेंड्स ये खोलता हूँ इसका ढक्कन में, और इसमें जो बिरयानी है देख सकते हो आप लोग। तो ये सब्जी की देगे, तो ये भाई बैठे हुए हैं कुछ, पूरा माहौल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है भाई, तो फ्रेंड्स अभी मैं चलता हूँ, जो भाई रोटियाँ काटने का तरीका है वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो रोटी काटने का तरीका, तो हमारे यहाँ जो इस तरीके से काटते हैं रोटियाँ, और क्योंकि जल्दी हो जाती है धागे से काटते हैं रोटियाँ। ये देख सकते हो भैया जी अभी जो काट रहा है रोटियाँ, आप लोग देख सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा यह भाई का तरीका रोटियाँ काटने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो जो बारात आ चुकी है और कुछ बंदे जो नाच रहे हैं। देख सकते हो आप लोग ये बारात ही है, दूल्हे की तरफ से जो आए बंदे वो नाच रहे हैं, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। तो दूल्हा जो इस कार में बैठा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये भी हमारी एक परंपरा होती है जो नारियल दूल्हे को देते हैं और इस तरीके से जो नमस्कार करता है दूल्हा, और ये भी एक रीत रस्म है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो हम जो बाराती आते हैं ना उसको जो मिठाई खिलाते हैं हम, हमारे यहाँ का रिवाज है, ये देख सकते हो जो भी बाराती आते हैं उसको जो मिठाई देते हैं, पहले मीठा जो है उसका मुँह करवाते हैं, उसके बाद जो दूसरी रस्में होती हैं वो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप लोग। तो फ्रेंड्स अभी जो दूसरी जो रस्मात होती है हमारी वो भी आप लोगों में दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हमारी रस्मात होती है, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो अभी जो हमारी यहाँ की परंपरा जो दूल्हे के जो ना हम टुवाल भी देते हैं, और ये देख सकते हो फ्रेंड्स अभी जो टुवाल है वो भी जो ना हम दूल्हे के एक जो देते हैं दूल्हे को, ये भी हमारा रिवाज है इस तरीके से। और ये देख सकते हो अभी जो तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो जो दूल्हे को जो ये भी हमारी रस्म है, देख सकते हो अभी जो ये जो लाल रंग होता है वो दूल्हे को जो है ना नाक पे लगाता है, ये भी हमारी एक परंपरा है रस्म है यहाँ पर, ये देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हो भाई यहाँ पर जो है ना दहेज दिया जाता है, और ये देख सकते हो कुछ सोना चांदी वगैरह जो देते हैं दहेज में, ये थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो दहेज देते हैं वो इस तरीके का दहेज होता है, और आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स। तो अभी जो ना दूल्हा नमस्कार करेगा, इसको हाथ लगाएगा, और अभी जो वापसी देंगे घर पर। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये भी हमारी एक रीत रस्म होती है, मतलब के जो पैसे पहले पहले दूल्हा आता है तो पैसे लेते हैं और फिर जो वापसी कर देते हैं, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। अभी जो दो समधी होते हैं वो जो गले मिलेंगे, और देख सकते हो फ्रेंड्स ये भी हमारा रिवाज है यहाँ का। अभी जो है तैयार हो रहे हैं और लुंगी बांध कर फिर जो गले मिलेंगे, देख सकते हो आप लोग।
तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, और शक्कर होती है वो एक दूसरे के मुंह में देते हैं, फिर जो गले मिलते हैं देख सकते हो आप लोगों को, मैं दिखा रहा हूँ अच्छे तरीके से। ये भी परंपरा है हमारे यहाँ की, एक जो है ना रस्म है, और टवाल देते हैं और जो अभी जो शक्कर देंगे मुंह में और अभी गले मिलेंगे, ये देख सकते हैं तो फ्रेंड्स एक ये भी हमारी परंपरा होती है, जो बाराती आते हैं उसको जो हम जो ना ये लाल कलर होता है उससे निशान करते हैं, देख सकते हो कपड़ों के ऊपर जो ना छोटा छोटा निशान करते हैं, देख सकते हो आप लोग। ये भी एक रस्म होती है, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो जो टॉफियां और स्वीट सुपारी जो होती है और सिगरेट वगैरह जो है ना, ये बाराती आते हैं मतलब कि दूल्हे की तरफ से जो होते हैं वो बांटते हैं, देख सकते हो। ये देख सकते हो फ्रेंड्स टॉफी वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी हमारी एक परंपरा होती है, सिगरेट वगैरह जो होता है बच्चों को और बूढ़े जो सारे बैठे होते हैं उसको जो है ना ट्रॉफी वगैरह मतलब कि मीठा मुंह कराया जाता है, देख सकते हो। और फ्रेंड्स अभी जो दहेज जो बाहर पड़ा हुआ वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये बड़ी पेटी जो ये भी दहेज में देते हैं हम, और इसको खोलते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें, और इस तरह बिस्तरे वगैरह और इसके नीचे जो बर्तन वगैरह भी है वो तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ये देख सकते हो जो रेलियाँ वगैरह होती हैं बिस्तरे वगैरह जो वो भी देते हैं, और ये पेटी है, और आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कुछ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये संदल हम इसको बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर जो बिस्तरे वगैरह रखते हैं वो बनी हुई है ये। ये अलमारी है, ये भी हम देते हैं दहेज में, यहाँ पर जो है शादियों में दहेज इस तरीके का होता है, और ये अलमारी देख सकते हो आप लोग, और इस साइड में जो है बेड भी पड़ा हुआ है, एक बेड भी दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो ये बेड है, और ये ऊपर क्या LCD है मेरे ख्याल से, हाँ LCD भी है, मतलब कि इस तरीके का जो सामान होता है वो देते हैं दहेज में, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स ये बेड है और ये LCD, और इस साइड में अलमारी पड़ी हुई है, और वो लकड़ी की जो संदल हम उसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, ठीक है फ्रेंड्स।